आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रही है। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से डॉलर के मुकाबले में रुपया दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है, और इन सब चीज़ों की मार हमारे देश के एक आम आदमी को भुगतनी पड़ती है। ऐसा क्यों है कि आज भी भारत एक विकासशील देश है? 75 साल हो गए आज़ादी को, आज भी विकासशील देश गरीब देश माना जाता है। हम सब चाहते हैं कि भारत विकसित देश बने, हम सब चाहते हैं कि भारत अमीर देश बने, और हम सब चाहते हैं कि हर भारतवासी, भारत का हर परिवार अमीर परिवार बने। इसके लिए बहुत सारे कदम उठाने की ज़रूरत है, बहुत सारे स्टेप्स लेने की, बहुत सारे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। हमें बड़ी संख्या में स्कूल खोलने हैं, हमें बड़ी संख्या में अस्पताल बनाने हैं, हमें बड़ी संख्या में बहुत बड़े स्तर के ऊपर बिजली का, सड़कों का, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है। लेकिन एफर्ट्स तभी फलीभूत होते हैं जब हमारे ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। एफर्ट्स करने चाहिए, हम सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में एफर्ट्स करते हैं, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि एफर्ट्स कर रहे हैं, नतीजे नहीं आ रहे। उस वक्त लगता है कि अगर देवी देवताओं का आशीर्वाद हो तो एफर्ट्स फलीभूत होने लगते हैं, एफर्ट्स के नतीजे आने लगते हैं। परसों दिवाली थी, दिवाली पे हम सब लोगों ने अपने अपने घर पे श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया। हम सब लोगों ने भगवान से सुख शांति की प्रार्थना की। हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए, देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ अपने कमरे में ज़रूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं, और रोज़ सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी, तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है, तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज़ रहें, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट्स छपते हैं वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है, और धीरे 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 करते करते सर्कुलेशन में काफ़ी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज़्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए,
आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से, केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए।